हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोइनफॉर्मेटिक लेक्चर टू। हमने बायोइनफॉर्मेटिक लेक्चर टू को अब स्टार्ट करना है। फर्स्ट जो लेक्चर था बायोइनफॉर्मेटिक का, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि हम ये बायोइनफॉर्मेटिक पढ़ते क्यों हैं। तो अब हम लेक्चर टू में हम सीखेंगे कि जब हम इतने ज़्यादा एनिमल्स की या इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनाइजम की जब हम जेनेटिक डेटा इकट्ठे करते हैं, तो हम वो रखते कहाँ पर हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हम फिर अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम निकालते कैसे हैं। बिकॉज इस पूरी दुनिया के अंदर तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनाइजम हैं, और फिर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनाइजम के बहुत सारे टाइप के सेल्स मौजूद हैं, और बहुत सारे सेल्स के अंदर बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स हैं, ह्यूमंस के प्रोटीन्स, हर एक टाइप ऑफ एनिमल्स के प्रोटीन। फिर हम अगर किसी एक लिविंग ऑर्गेनाइजम को देखें तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोटीन्स की तादाद मौजूद है। फिर प्रोटीन जो है वो जीन मतलब के डीएनए से बनते हैं, फिर डीएनए की सीक्वेंस एक अलग प्रोसीजर है। तो इतना बड़ा डेटा जिसके लिए अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो हम पूरी दुनिया के जो किताब हैं वो फुल हो जाएँ, फिर भी जो है वो डेटा कम नहीं होगी। तो उसके लिए हमारे जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक बहुत ही आसान तरीका ढूंढा है। जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, इन सब ने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि क्यों ना हम इस पूरी डेटा को कंप्यूटर में स्टोर कर दें। ठीक है भाई, कंप्यूटर में डेटा स्टोर हो गई। अब उसके लिए उन्होंने जो है कुछ वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट है वो है NCBI। हम गूगल में जाकर NCBI लिखेंगे। NCBI का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। इसके अंदर जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, असल में ये लोडिंग बहुत ज्यादा करती है क्योंकि ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट है। अब ये इसका पूरा सर्च इंजन है, ठीक है। उसके बाद ये इसका डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर जो चीज आपको चाहिए, डेटाबेस के अंदर जो चीजें आ रही है, असेंबली आ रहा है, बायो कलेक्शन आ रहा है, बायो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बायो सैंपल्स आ रहे हैं, बायो सिस्टम, बुक्स क्या, और क्लीन एवर, DBGAP, जीन, जीनोम, GTR, होमोजीन, आइडेंटिकल जीन प्रोटीन्स, मेश, NCBI वेबसाइट्स, न्यूक्लियोटाइड्स, पम्प्स, प्रोटीन्स और क्लस्टर्स, प्रोटीन फैमिली, पबकेम, पबमिड, ANP स्ट्रक्चर, टेक्सोनोमी किट, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सपोर्ट करती हैं जीन के हवाले से। और नीचे जो यहाँ पर दी गई चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं कि आप क्या सर्च करना चाहते हो। ये सारे सोर्सेज हैं NCBI होम के, कि भाई आप केमिकल सर्च करना चाहते हो, आप डेटा सॉफ्टवेयर, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं, वो सर्च करना चाहते हो, डीएनए आरएनए सर्च करना चाहते हो, या फिर इसके अलावा जीन एक्सप्रेशन, जेनेटिक मेडिसिन, होमोलॉजी, लिटरेचर, प्रोटीन, टेक्सोनोमी, ये सारी चीज़ें आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड अदर फील्ड ऑफ बायोलॉजी, तो आप NCBI का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब NCBI में मिसाल के तौर पे मुझे जो है प्रोटीन चाहिए, मैं आऊँगा डायरेक्टली, मैं डेटाबेस को ओपन करूँगा और डेटाबेस को ओपन करते मैं प्रोटीन पे क्लिक करूँगा। अब मिसाल के तौर पे मुझे ह्यूमन कोलेजन प्रोटीन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ह्यूमन कोलेजन प्रोटीन एंड देन सर्च को क्लिक करूंगा। ये लोडिंग करती है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि लोडिंग की बहुत ज्यादा ये वेबसाइट यूज होती है, तो इसी वजह से ये लोडिंग करती रहती है। तो आइए अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने जैसे ही लिखा कि मुझे ह्यूमन का कोलेजन प्रोटीन चाहिए, तो कोलेजन प्रोटीन के लिए मेरे पास पूरी उसकी डेटा आ चुकी है। अब इस डेटा में पहले पहले आएंगे स्पीशीज। भाई इसने कहा है कि 12,682 एनिमल्स हैं जिनके अंदर कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है।
आठ प्लाट हैं जिनके अंदर कोलेजन प्रोटीन है, 36 फंजाए हैं, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, आर्किया, वायरस और कस्टिमाइज। मतलब के कोलेजन प्रोटीन जिन जिन सेल्स के अंदर मौजूद होगा या जिन जिन स्पीशीज के अंदर मौजूद होगा वो सारी डेटा हमारी यहाँ स्पीशीज सेक्शन में आ जाएगी। उसके बाद ये सोर्स आपको पीडीएफ में चाहिए या पीडीपी में चाहिए, ये सारी चीजें आपको वहां से मालूम करेंगी। उसके बाद यहाँ से आपके पास आएंगी रिजल्ट्स टॉक्सिन, इसमें कह रहा है होमोसेपियन यानी कि इंसानों के अंदर 3882 जो है ट्रीज हैं कोलोजन के, और जो आर्किया कोलाए हैं उनके अंदर 2700। मतलब ये रिजल्ट्स हैं कि ये कोलोजन जो है ह्यूमंस के ह्यूमन से मिलती जुलती स्पीशीज के कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। तो ये कोलोजन जो है ह्यूमन बींग के अंदर के साथ साथ दूसरे भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म के अंदर मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पर इस साइड में दिखाए जाते हैं। टॉप ऑर्गेनाइजम्स ये नीचे दिए गए, ये सारे वो ऑर्गेनाइजम्स हैं जिनके अंदर कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। इसी तरीके से उसके बाद जो सेकंड, अब हमारे पास ये रहा यहाँ पर कोलेजन प्रोटीन ये सेक्शन। अब उसके बाद ये वाला सेक्शन जो एटम्स है ये हमें बताता है कि आप यहाँ पर 1 से 20 तक सर्च आएंगे और टोटल जो है अब मेरे पास जो सर्चिंग है वो 4118 जो है, सॉरी 40118 मतलब कि स्पीशीज के अंदर या उसके कोलेजन के टाइप्स जो हैं मौजूद हैं। अब यहाँ से जो है आप पेजेस चेंज करते जाओगे, मिसाल के तौर पे मुझे जो है ये वाला कोलेजन प्रोटीन चाहिए, कोलेजन प्रोटीन होमोसेपियन। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उस प्रोटीन की जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब पहले पहले लोकस, ये उसकी लोकेशन है कि प्रोटीन किस जगह मौजूद है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन बताएगा डेफिनेशन में कि ये कोलेजन किस स्पीशीज का है, वो होमोसेपियन है। और देन उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्म होमोसेपियन। अब होमोसेपियन के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी होगी ये वाली के यूकैरियोटिक है, मेटोजोआ है, कोऑर्डिनेट है, सेरेंटा है, वर्टिब्रेटा है, ये पूरी की पूरी उसकी क्लासिफिकेशन आ जाएगी। क्लासिफिकेशन के बाद जो है और सारे के सारी चीजें कि ये रीजन मतलब प्रोटीन कहाँ कहाँ मौजूद है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। वो रीजन जब हम एडवांस दूसरी क्लासेस लेंगे तो उसमें हमारे क्लियर हो जाएंगे। और ये रहा टोटल इस प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने लेक्चर के बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि एक प्रोटीन बहुत सारे बेसिक प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड्स का बना होता है या एक डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, तो ये सारे के सारे जो हैं कंप्लीटली वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपस में मिलकर कोलेजन प्रोटीन बनाते हैं, ह्यूमन कोलेजन प्रोटीन बनाते हैं। और हर एक एनिमल के अंदर यह सीक्वेंस जो है डिफरेंट होती है। तो ऐसी कोई किताब हम नहीं बना सक रहे थे या हम इतनी हमारे पास मेमोरी स्टोरेज नहीं है कि हम अपने दिमाग में ये चीजें महफूज कर सकें और ये बिल्कुल सीक्वेंस के तौर पर। ये तो जस्ट मैंने एक इंसान का एक प्रोटीन उठाकर मतलब कोलेजन प्रोटीन है, इस खरबों करोड़ों लाखों प्रोटीन्स हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर दूसरी स्पीशीज के अंदर और उनकी इस सीक्वेंस से भी ज्यादा सीक्वेंस है। अब अगर यही सीक्वेंस आप डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करोगे तो ये 10-15 पेजेस में भर जाएगा इसी शेप में। तो मतलब इस सारी डेटा को मतलब कि हमने इस एनसीबीआई पर सेव करके रखा है। और उसके बाद यहाँ पर ये फास्टा मतलब कुछ सीक्वेंसेस हैं आइडेंटिकल प्रोटीन्स के, इसके साथ ये प्रोटीन्स मिलते जुलते हैं कि नहीं। उसके बाद अगर हम इसके ग्राफ्स चेक करें अच्छा तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको। और अगर हम इसका फास्टा निकालें, मतलब फास्टा से मुराद होता है कि इसकी जो सीक्वेंस है वो हमें अलग सेपरेट होकर मिले।
तो फास्टर लोडिंग कर रहा है। मैं एक एक अलग से एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिनके अंदर टोटल इनकी जो शॉर्ट टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल एमसीबीआई, फास्टा एंड इसके बाद कुछ ब्लास्ट, ईटीसी और बहुत सारी चीजें आएंगी। वो सारी चीजें मैं आगे हम दूसरे लेक्चर्स में करेंगे। गाइज होप कि आपको यहाँ तक वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और बहुत ज्यादा आपने नॉलेज गेन की होगी। तो अपने स्किल्स को समझें और इसमें अपनी स्किल्स और बहुत सारी ऐड करें और ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स की आपको सीक्वेंस यहाँ से मिल जाएगी, इवन डीएनए सीक्वेंस भी मिल जाएगी प्रोटीन्स के। इसी तरीके से अगर आपको डीएनए सीक्वेंस चाहिए तो आप सेम तरीके से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर यहाँ पर डीएनए लिखेंगे कोई भी, तो यहाँ पर आपको आप यहाँ पर सिंपली नीचे आ जाएं, यहाँ पर डीएनए लिखा होगा, इसी डेटाबेस के अंदर डीएनए मौजूद होता है। नेट की वजह से शायद ये स्लो नहीं चल पा रहा। तो ये आप ये जितने भी इसके डेटाबेस में जो जो चीजें हैं आप वो यहाँ से इजिली सर्च कर सकते हैं और बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी मेरे यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जैसे कि मैं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। तो अपने दोस्त ज़ुबैर अहमद को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।